Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. Mic मेरा उधर रह गया था. Mic यहाँ पे लाके दोबारा से intro करेंगे. What's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल. तो जैसे कि आप लोग को याद होगा कि अभी अपना एक चैलेंज चल रहा है कि मेरा जो शोरूम है टेक्नो मोटर्स, मुझे उस शोरूम को पूरा गाड़ियों से भरना है. मतलब उसके अंदर इतनी सारी गाड़ियां खरीद के लाके रखनी है कि पैर रखने की भी जगह ना बचे. तो लास्ट एपिसोड में मैंने ग्राउंड फ्लोर तो पूरा का पूरा भर दिया था, बट आज के सारी वीडियो में हम लोग भरने वाले हैं ऊपर वाले फ्लोर को, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है. बट टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अपने पास $1.8 million है. सही बता रहा हूँ, गाड़ियों की कमी पड़ जाएगी पर पैसों की कमी नहीं पड़ेगी खरीदने के लिए. लेट्स गो, चलते हैं वीडियो में. ऑलराइट Guys, welcome back to Techno Motors. By the way, आज मैं आप लोग को ना एक चीज बताना भूल गया कि अभी ना हेलोवीन टाइम चल रहा है, इसीलिए गेम में हेलोवीन अपडेट आया है जिसमें बहुत सारी नई चीजें आई हैं और शहर के जितने भी बंदे हैं भाई, वो देखो कॉस्ट्यूम बदल के घूम रहे हैं. ये बंदा कहने को कार बेच रहे पर इसकी शक्ल देखो, और बाकी सब भी ऐसे या फिर यही है. एक मिनट, ये देखो सामने वाली, ये भाई इस लेडी को क्या हो गया? अल्लाह की, सारे भाई बंदे डरावना सा कॉस्ट्यूम पहन के बैठे हुए हैं. सॉरी, खड़े हुए हैं. बाकी हाँ, अभी मैं जाने वाला हूँ शोरूम पे. मुझे आज भी बहुत सारी गाड़ियां खरीदनी है ऊपर वाला फ्लोर भरने के लिए, पर पहले मैं आपको नीचे वाला फ्लोर दिखाऊंगा और उससे पहले गाड़ी वॉश कर लेते हैं भाई. ये सही में शहर के बंदे थोड़ा सा भूतिया बने, अपनी गाड़ी इतनी गंदी, ये भी भूतिया लग रही है. बट हाँ, गाड़ी चमकती है, क्या प्यारी लुक आ जाती है यार इसके. हाँ, एकदम ऐसे कीचड़ लग रही थी. और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई चीज अभी लग रही है इस गेम में तो वो यही कार है. चमक गया ना भाई पूरे. चलो, बहुत टाइम पास हो गया, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और इस गाड़ी को भगाते हुए लेकर चलते हैं. पहले हम लोग ना शहर थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद गाड़ी वाड़ी खरीदना चालू करेंगे. बाय द वे, आज मार्केट प्लेस ओपन है, मींस कुछ तगड़ी तगड़ी गाड़ियां आ रखी होंगी वहां पे, तो वो भी खरीद लेंगे. बट उससे पहले सिटी के बंदों को देखते हैं भाई, क्या चल रहा है इधर. ये देखो भाई, इसको देखो, ये इससे अबे भाई ये क्या पहन के बैठा हुआ है. गाड़ी तो खैर सिविक बेच रहा है, मैं बाद में आता हूँ, गाड़ी बाद में लूंगा. आज हैलोवीन टाइम है भाई, थोड़ा सा पहले घूमना फिरना चाहिए. शॉपिंग वॉपिंग तो हमेशा चलते रहेगी. बाकी लेफ्ट में रेड साइड, ये क्या है भाई रेड कलर का? हैप्पी हैलोवीन. हेलो भाई, एक मिनट, कुछ इवेंट वगैरह हो रहा है क्या? इधर यहाँ पे छोटू सा बंदा है कोई. हेलो भाई, ये क्या है? यू ब्रिंग मी 30 पंपकिंस, आई विल गिव यू दिस क्या? ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मुझे पूरा सीन समझ आ गया है. तो ये जो हैप्पी हैलोवीन का बड़ा सा कंटेनर है ना, इस कंटेनर के अंदर पक्का कोई ना कोई बहुत ज्यादा तगड़ी सुपर कार है. और वो गाड़ी हमें तब मिलेगी जब हम लोग इस पूरे मैप में इस शहर से 30 पंपकिन कलेक्ट करके इस बंदे को ला के देंगे. वैसे एक सेकंड, मुझे एक पंपकिन वहां पर सामने दिख भी गया. वैसे देखा जाए तो अपने पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, और अगर टाइम लिमिट है भी तो आज तो पूरा दिन पड़ा है. मैं ये काम आराम से कर दूंगा भाई, लेट्स गो. एक पंपकिन मैंने कलेक्ट कर लिया. ऊपर दिखा रहा है मुझे 30 करने, अभी सिर्फ एक करा है. बाकी कहां मिलने वाले हैं कोई आइडिया नहीं. बट सबसे मस्त चीज पता है, अपने पास गेम की सबसे फास्टेस्ट कार निसान GTR है भाई. तो फटाफट से इस गाड़ी को भगा के लेकर चलते हैं और काफी ज्यादा ढूंढा डांडी करके इसके पास वापस आते हैं. और ये देखो लेफ्ट में जो कंटेनर है, अपना पुराने वाला घर, यहाँ पे भी दो पंपकिन है. देखो गाड़ी पार्क करके जल्दी से लेकर आता हूँ. हाँ, एक ये कलेक्ट कर लिया, एक ऊपर है, कूद के कलेक्ट करता हूँ. तीन हो गए, अभी 30 करने हैं भाई. मैं ना सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आखिर कार उस कंटेनर में से मुझे कौन सी गाड़ी मिलने वाली है. 4 हो गए अभी फिलहाल. यहाँ पर तो दूर दूर तक मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. वो देखो उस घर में एक पड़ा हुआ है. जल्दी से चलते हैं, गाड़ी चालू. और वहां पर जाने के लिए तो जो मैं बूस्टर देने वाला हूँ ना सीधा, नहीं, गाड़ी भिड़ जाएगी. ज्यादा भी तेज स्पीड में नहीं भाई, इतना एक्साइटेड नहीं होना है कि गाड़ी खराब कर डालू मैं. यहाँ पर से मुझे मिल गया एक और पंपकिन. वापस चलते हैं गाड़ी में. और राइट साइड में मार्केट प्लेस है और उधर भी एक पंपकिन पड़ा हुआ है भाई. लेट्स गो, थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे और पंपकिन भी कलेक्ट करते हैं भाई. $1.8 million है, तो गाड़ियां तो मैं बहुत सारी खरीद सकता हूँ आज. बट सबसे पहले मुझे ये पंपकिन चाहिए भाई, ये दो मुझे. लेट्स गो भाई. यहाँ पर सारे बंदों को देखो भाई, कैसे कैसे हो रखे हैं. ये तो खैर ठीक है, ये सब लोग ठीक है. बट इसको देखो भाई, ये क्या है? यहाँ पे एक बंदा पोर्शे बेच रहा है और इसकी हालत देखो भाई. वैसे ना ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ऑडी R8 है ये ले लेते हैं पहले. जल्दी खरीद भाई, मतलब बेच भाई. 5 लाख की बेच रहा है, 3,80,000 की ले लेता हूँ. आई होप ये बेच दे. बेच देगा, इतने में तो बेच देनी चाहिए भाई. लो है 4 लाख की, 4 लाख 20,000. इससे ऊपर मैं नहीं आने वाला हूँ भाई, जल्दी बेच, और भी काम है मुझे. यस थैंक यू. ओ भाई, क्या सही कंडीशन में गाड़ी मिली है. इस गाड़ी को मैं चलाने नहीं वाला, शोरूम सीधा टो करवा के शोरूम भिजवा देता हूँ. बाकी यहाँ पर एक मस्त Porsche भी बिक रही है, ये तो सस्ती होगी. खैर 2-3 लाख की होगी, 1,50,000. अरे, इतनी ज्यादा सस्ती, लाओ 1,10,000 की बेच दो. ज्यादा टाइम इसने, जल्दी से बेच दे. 40,000 नहीं कम करवाया. अरे वाह, थोड़े बढ़ने के लिए बोल रहा है. 15,000, 1,15,000 की. शायद ये बेच देगा भाई, मना कर रहा है ये. इसको 1,22,000 तो देना ही पड़ेगा. प्लीज अभी बेच दे, अभी इससे ऊपर मैं नहीं आ रहा, वरना डील कैंसिल है भाई. नहीं बेच रहा है. अच्छा ला, जितने की उतने की दे दे. मैं इसको अच्छे में रेट में निकाल दूंगा. बाकी ठीक है, इस गाड़ी को भी टो करवा देते हैं. दो गाड़ियां आज परचेस कर लिया, बट मेरा अभी ना और गाड़ियां परचेस करने का बिल्कुल मन नहीं तेरे से, तो और नहीं. चलो अभी भाग के चलते हैं यहाँ से. दो कारों को मैं अच्छे प्राइस में बेच के बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ. फिलहाल कार ऑक्शन, वो मुझे दिखा, मैं लेकर आता हूँ. मैं बैक साइड में एक पंपकिन पड़ा हुआ भाई, ढूंढने तो बहुत सारे पड़ेंगे. लाओ आज मुझे वो कंटेनर खोल के गाड़ी निकालनी है तो निकालनी है. लेट्स गो.
फुल स्पीड में चलते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए राइट लेफ्ट का भी। बाकी इधर है क्या कुछ ऑटो पेंटिंग वगैरह, इन लोग की जगह पर भी होना चाहिए एक आध पंपकिन तो। वो रहा, दिखा 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 भाई। इस बंदे की शॉप के अंदर एक पंपकिन पड़ा हुआ है, लाओ ये दो। और पंपकिन घेरा एक अंदर भी है, एक घेरा। वैसे कैसे आप लोग को पता है क्या कि हैलोवीन इवेंट क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मतलब मुझे पता है भाई, होता तो बहुत ज्यादा फन है। सब लोग अपने मस्त मस्त कॉस्ट्यूम पहनते हैं, डरावने वाले और थोड़े बहुत फनी वाले भी, बट ये सब क्यों पहनते हैं ये नहीं पता मुझे। चलो यहाँ पर तो जितने पंपकिन थे मैंने सारे अलग कर लिए। बाकी यार यहाँ पर एक आधी ब्लैक कलर की कार आके खड़ी हुई है, किसी अमीर बंदे की है, कवर्ड है। चलो 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 वो छोड़ो, भी जल्दी से गाड़ी में बैठे हैं। अभी टोटल 11 हुए हैं, मुझे 19 पंपकिन और ढूंढने हैं। अपने शोरूम के तो आसपास एक भी पंपकिन नहीं है। इस घर के पीछे चेक कराता हूँ मैं, मेरे को लग रहा है इस घर के पीछे, अरे नहीं यार घर के पीछे, ओ वेट है, घर के पीछे भी है। और मुझे एक पंपकिन पता कहाँ दिखा? वो माउंटेन के टॉप पे, वो देखो कहाँ पे है। भाई गाड़ी लेके जाऊंगा ना तो गाड़ी तो टूट जाएगी, इसलिए पैदल जाकर लेकर आता हूँ। मेरी गाड़ी यार बहुत अच्छी ज्यादा कंडीशन में है, उसको बिल्कुल खराब नहीं करना है। फटाफट से भी कलेक्ट कर लेता हूँ भाई। 13 पंपकिंस कलेक्ट हो गए हैं, थोड़े बहुत और ढूंढूंगा मैं भाई। 13 पंपकिंस कलेक्ट हो गए हैं, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। इस ट्रक के नीचे, ओ नहीं नीचे नहीं पीछे पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी ले आओ भाई। गैस स्टेशन के अंदर एक ही है क्या यार? यहाँ पे 3-4 होने चाहिए थे एटलीस्ट। एक यहाँ से उठा लेता हूँ भाई। इस जगह की बैक साइड पे मैं आज तक नहीं आया, बट पंपकिन कलेक्ट करने के लिए तो आना पड़ेगा। सच में बहुत दिनों से गेम खेल रहा हूँ, बट मैं आज तक यहाँ पे पैदल नहीं घूमा। स्टोर खुलता है क्या? अच्छा बंद है। चलो फटाक से अपनी गाड़ी हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं। 16 पंपकिन हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं, अभी 14 पंपकिन बाकी हैं और कोई आइडिया नहीं अब वो कहाँ मिलने वाले। एक ये रेड बार वाली जगह बची हुई है, इसके अलावा तो मुझे सच्ची में कोई जगह याद भी नहीं। अभी एक सेकंड, जगह कैसे नहीं याद? नेबरहुड भाई, वहाँ होंगे ना, वहाँ तो भर भर के होने चाहिए पंपकिन। बाकी यार यहाँ पे ड्रैग रेस में कोई एक नई कार, वेट ये कौन सी गाड़ी है भाई? कितने की 5000 की रेस लगा रहा है? ये भी निसान की कोई कार है भाई? नहीं सॉरी, निसान की अपनी, इसकी माज़्डा। ओ ये माज़्डा है। और इस साइड पे कौन सी? BMW 2। बहुत सस्ती रेस है, मैं 5000 वाले से रेस लगाने में इंटरेस्टेड हूँ भाई। अरे अभी तो 5000 की लगा रहा था, 4000 कैसे हो? मैं जितनी बार चेंज कर रहा हूँ उसका प्राइस चेंज हो रहा है, देखो ये 6000 हो गई भाई, तेरे रेस कर ले। जितनी बार टैप कर रहा हूँ प्राइस चेंज हो रहा है भाई। लेट्स गो, निसान GTR वर्सेस माज़्डा। और काफी शाम का नहीं रात का टाइम हो चुका, पहले हमेशा डे टाइम पे रेस होती थी, पता नहीं क्यों रात में भी रेस करने और दिन हो जाता था, बट अभी मजा आने वाला भाई। माज़्डा फास्ट हो सकती है, बट कोई बात नहीं, 5-6000 का ही नुकसान होगा, बट निसान से फास्ट थोड़ी होगी, तुम खुद सोचो ना, निसान GTR है भाई। चलो गियर अप करके सामने चलते हैं। क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा? क्या हम लोग 6000 जीत के जाएंगे या फिर ये घटिया बंदा हमसे जीतेगा? मैंने गलती कर दी। अरे मैंने गलती कर दी यार, मैं जीता हूं ना, मैंने 3-2-1 से पहले ही भगा दी थी गलती से। लूज, मैं से गलती से गियर अप हो गया था, सही बताऊं तो। इसे भी कहते हैं तुम्हारे पास फास्टेस्ट कार हो तो भी तुम जीत के भी हार जाओ। मतलब जीती जिताई रेस में एकदम ऐसे फुल शॉक में हार कर आया हूं। बाय द वे गाइस, एक चीज आप लोग नोटिस करोगे तो पहले गेम में शाम नहीं होती थी, सीधा सुबह से रात हो जाती थी, बट अभी ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यार रात होने वाली है थोड़ी देर में, मतलब शाम का टाइम हो गया है जो कि फील हो रहा है। बाकी एक सेकेंड, मुझे ना कुछ पंपकिन यहाँ पर दिखे थे, शायद वो अंदर है। पंपकिन 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 पंपकिन, हाँ ये लो। मैं कुछ खाने पीने नहीं आया, मैं बस पंपकिन लेने के लिए आया हूँ। अंदर है क्या एक आध पंपकिन? पंपकिन, अरे यार एक ही है क्या यहाँ पे? अबे क्या घटिया जगह, एक ही पंपकिन है। पीछे की साइड पे नहीं है, यहाँ पर ये देखो, ये रहा। कूद के बाहर से आना पड़ेगा, अगर मैं कूद के गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़वाया भाई। वेट, मुझे ना अभी एक चीज पता चली है कि बहुत सारे पंपकिन कलेक्ट करने के लिए ढूंढना ढांडी तो बहुत करनी पड़ेगी। पता है क्यों? पंपकिन सिर्फ ऐसे अगल बगल नहीं है, बहुत ज्यादा दूर दूर भी पड़े हैं। ये देखो भाई, ये वाला तो एक ऐसी जगह पे पड़ा है बंदे की गाड़ी खराब हो जाए। ला भाई आजा, एक यहाँ पे रेड बार के पीछे था ना, ये रहा, ये वाला भी फटाफट से लेकर आता हूँ। चलो बेटा 20 हो गए, 10 और कलेक्ट करने हैं भाई, मजा आ जाएगा। अभी ना जितने भी पंपकिन बाकी हैं वो शायद से सारे के सारे नेबरहुड में मेरे को मिलने वाले हैं, और नेबरहुड की जो एंट्री है वो इधर से ओपन है, तो बस मुझे गाड़ी से उतरना है और फटाफट से लेकर आना है। सामने की तरफ में भी एक पड़ा हुआ है, इधर भी रोक के उठा लेता हूं इसको। 22 हो चुके हैं भाई। तुम लोग को कहीं और थोड़े बहुत पंपकिन दिख रहे हैं क्या? बंदों के घरों के पीछे तो नहीं जाके चेक करना पड़ेगा? इतना भी ज्यादा ढूंढो ढांडी करने का टाइम नहीं है यार, सही बताऊं तो। बाकी यहाँ पर तो मुझे सच में एक ही पंपकिन नजर आ रहा है, इसको उठा के हो गए 23। थोड़ा सा बाहर निकल के देख लेता हूँ, क्या पता बंदों के घरों की बैक साइड पे हो, वैसे अभी तक तो नहीं दिखा। अबे यार इसने गाड़ी लाके ठोक दी, अबे पागल। हाँ बच गई। पंपकिन 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 भाई, सिर्फ और सिर्फ 7 और ढूंढने हैं और कुछ अता पता नहीं है। बगल वाली गली में तो अभी तक मुझे एक भी नजर नहीं आया, बट यार बहुत गलत बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर है भाई, बहुत भाग के जाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा दूर पड़ा हुआ है इसके घर के अंदर। 24 हो चुके हैं, अभी बस मुझे 6 और ढूंढने। ओ वेट, वो क्या है आसमान में? एक गाड़ी उड़ रही है भाई, ये क्या हो रहा है? मैं कार फोर्स सेल ही खेल रहा हूँ ना, मतलब हैलोवीन है क्या? कुछ भी होगा भाई, रात में कोई बार बार चोर और भूत तो नहीं घूमते रहते ना? पता चला अपने शोरूम से गाड़ियां चोरी होगी सारी।
खड़ी रातों रात। भाई सही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा कमाल है, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है। ऑडी R8 और अपनी पोर्शा तो मैं बाहर ही छोड़ कर आया हूँ। भाई देखो अभी ना सिर्फ और सिर्फ 6 पंपकिन और ढूंढने हैं, और रात का टाइम ना बहुत ज्यादा बेस्ट है क्योंकि पंपकिन ग्लो करते हैं, तो अगर मैं ढंग से ढूंढा ढांडी करूंगा तो मैं उन्हें बहुत दूर से ही स्पॉट कर सकता हूँ। ये रहा, देखो 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 दिखा 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 दिखा। भाई सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जितने पंपकिन बचे हैं वो शायद से नेबरहुड में बचे हैं और वो घरों के पीछे पड़े हैं। देखो ऐसे अगर ध्यान से देखते जाओ तो दिखते हैं। लो भाई ये कलेक्ट कर लूं, 5 और 5 और बस। कैमरा को फुली जूम आउट कर लेता हूं ताकि मुझे बहुत दूर दूर का भी एरिया नजर आए। हाँ भाई ये बहुत सही चीज कर दी मैंने। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट वाली सड़क पे चलते हैं। यार देखो ये एरिया ना मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से चेक कर लिया है, एंड अभी मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि शायद से यहाँ पर किसी पे मतलब किसी के भी घर के आस पास पंपकिन है। I mean, बहुत ज्यादा ही अच्छे से चेक कर लिया यार मैंने। भाई वेट, ये बचे 5 पंपकिन मुझे कहाँ मिलने वाले हैं यार। कहाँ घूमू कहाँ ढूंढू, इस वाले घर के पीछे देखू क्या, क्या है कुछ इधर, नहीं एक ये घर है बीच रस्ते में पड़ता है, क्या इस घर के पीछे, नहीं यार। भाई यहाँ पर ना भी मैप ही खत्म हो गया है, देखो बॉर्डर आ गया है, और मैं रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी भाई सच में रेंडमली कहीं पर भी फेंक रहा हूँ ये पंपकिन को ढूंढने के लिए, बट यार सही में नहीं मिल रहे हैं। वो ये रहा, ये देखो एक मिला। भाई ये रात में ग्लो तो होते हैं बट सिर्फ एक डायरेक्शन में। इधर 2 बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, इसके पीछे ढूंढ के आता हूँ। भाई एक तो पक्का पड़ा होगा यहाँ, अगर ये पत्थर है तो ये किसी रीजन से ही है। भाई इसके पीछे कुछ छुपाया तो जा सकता था, भाई छुपा देते हैं ना यहाँ पे, मैं ढूंढ लेता अपना। एक बार फिर भी और चेक कर लेता हूँ इस वाले पत्थर की लेफ्ट साइड भी चेक कर ली, नहीं है। वहाँ पे सामने 2 बहुत बड़े बड़े पेड़ है। भाई मैं सच बता रहा हूँ मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि काफूर सेल में मैं ऐसे घूमने वाला हूँ, पहाड़ों पे चढ़ूंगा कभी पंपकिन ढूंढने जाऊंगा भाई। बट ठीक है भाई ये एरिया भी पूरा चेक कर लिया, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 पंपकिन अगर मैंने और सिलेक्ट कर लिए तो मुझे एक बहुत तगड़ी गाड़ी मिल जाएगी, ये सोचो, वो भी फ्री में। बात फ्री की नहीं है, बात है उस चीज की कि वो गाड़ी कौन सी होगी। भाई क्या पता बुगाटी मिल जाए। भाई सच बता रहा हूँ बुगाटी मिल गई ना मजा आ जाएगा। मैं बेचूंगा तो नहीं यार, मतलब पैसों के लिए तो नहीं बेचेंगे भाई बुगाटी को, उसे संभाल के रखेंगे। यहाँ पर कुछ है क्या, कार ऑक्शन की बैक साइड पूरी चेक कर ली है, सब चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है। अभी तक मैं अपनी गाड़ी को रोड पे चला रहा था, अभी पता नहीं कहाँ घुमा रहा हूँ। अपने शोरूम में है क्या एक पंपकिन, होता तो वैसे दिख जाता बट नहीं है। अरे भाई, गाड़ी का फ्यूल ही खत्म हो गया, और वो भी गैस स्टेशन के पास आके थोड़ी बहुत गाड़ी चल रही है। आई होप ये वहां तक पहुंच जाए तो मजा आ जाएगा। बस बस बस, वाह क्या टाइम पे फ्यूल खत्म हुआ है, अभी गाड़ी चालू नहीं हो रही, बट तुम्हारा भाई फ्यूल तो फिल कर सकता है ना, पूरा भर दे भाई इस गाड़ी को पूरा बेस्ट। ओ वेट एक सेकंड, मुझे ना एक एरिया याद आया जहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ एक पंपकिन तो मुझे मिलने वाला है, और वो है जंकयार्ड। भाई मैं जंकयार्ड में नहीं गया, और वो बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर एक पंपकिन तो होना चाहिए भाई एटलीस्ट प्लीज मेरे लिए। देख कर आता हूँ यार, होगा पंपकिन। अबे सही में नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, क्या यार एक पंपकिन ही नहीं है यार। सच में पूरा मैप मैं घूम चुका हूँ, अभी तो मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं कहाँ पे जाऊँ पंपकिन ढूंढने के लिए। लेफ्ट वाला एरिया सब चेक हो गया, ये गैस स्टेशन चेक हो गया है, ये माउंटेन के इधर एक पत्थर हवा में है भाई, हवा में है, सच में ये पत्थर हवा में है, बट इस पत्थर के भी आगे पीछे कुछ नहीं है। इधर एक ये बिल्डिंग बना हुआ है, एक सेकंड लाइट जला लेता हूँ, इसके पीछे यस मुझे लग ही रहा था यहाँ होगा, एक और मिल गया। सिर्फ और सिर्फ 3 बचे गाइस। भाई ये बाकी 3 कहाँ पे मिलेंगे आइडिया तो नहीं है। वो दिखा, मुझे एक पंपकिन और दिखा भाई, एक और दिखा। आराम से चला के ले जाऊंगा भाई गाड़ी, बहुत ही सही। बस। तो जो रैंप है ना जहाँ से गाड़ी जंप होती है उसके बगल में पड़ा हुआ था, तो अभी अपने पास 28 हो चुके हैं, बस 2 पंपकिन और ढूंढने हैं मुझे। भाई शुरुआत में ये काम जितना ज्यादा इजी लग रहा था ना सही बताऊं तो, ये भाई शुरू में ये काम जितना ज्यादा इजी लग रहा था ना सही बताऊं तो, ये उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है यार। पंपकिन कलेक्ट करना नहीं, उनको ढूंढना डिफिकल्ट है कि कहां पर हो सकते हैं वो। गाड़ी अलग डैमेज करवा ली मैंने 1-2 बारी, मेरे घर में तो नहीं एक पंपकिन, नहीं है, सो जाता हूं। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पंपकिन ढूंढने हैं, सिर्फ 2 पंपकिन, और हमें एक बढ़िया सुपर कार मिल जाएगी यार। अपने अड़ोसी पड़ोसी की भी भाई बैक साइड पे चेक कर लेता हूँ, कई बार वो होता है ना बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वो वाला सीन ना हो जाओ। भाई ये कौन है, हल्की की चाची, छी पागल है। मैं कूद के सबके घर, गाइस मैं ना कूद के सबके घरों में चेक कर रहा हूँ क्या पता कहीं एक हाथ पंपकिन दिख जाए। इधर तो नहीं है इन सब पे यार, कौन सी जगह रह गई, ये सब तो चेक कर लिया, अभी बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, सारी एरिया मैंने चेक कर लिए, पंपकिन कहाँ बच गया है। इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस पे नहीं है, इसके घर पे भी नहीं है, लेफ्ट वाले बंदे के घर पे भी नहीं है, थोड़ा सा और आगे लेता हूँ गाड़ी, यहाँ भी नहीं है, देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ पूरा चेक हो चुका है, एक एक गली चेक करते हुए चलते हैं। इस बंदे पे नहीं है, इस वाले घर की बैक साइड चेक करूँगा एक बारी, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है,
इधर भी नहीं है। ओ भाई मेरा एक हाथ तो कह रहा भाई मैं नहीं खेल रहा, गाड़ी लेफ्ट हैंड से भी चल सकती है, उसी से चला लो, जब मिल जाएगा मेरे को बता देना मैं कलेक्ट कर लूंगा। पम्पकिन ढूंढते ढूंढते नींद आने वाली है, पम्पकिन नहीं मिल रहे। अरे कहाँ है भाई, किसके घर में वर में है क्या? कार ऑक्शन में यार एक ही मिला था, बट हाँ इधर है भी तो एक ही ना। मैंने अपना शोरूम ही नहीं चेक करा, सही बताऊं तो सब घुमाया हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। बाकी ये जगह तो अच्छे से चेक कर लिया मैंने, इधर एक मिला था मुझे, उतर के भी चेक कर लेता हूं भाई, हो सकता है ना ऐसे कोने में छुपा के रखा हो। इलेक्ट्रिकल एंड ट्यूनिंग वाले पे चलकर देखते हैं, क्या पता इसकी दुकान पे भी नहीं है। यार सबसे ज्यादा उम्मीद थी मुझे जंक यार्ड वाले से भाई, यहाँ से मुझे मिल जाता बट नहीं है। तेरे सोफे के पीछे एक जगह और है जो कि मैंने चेक नहीं करी, पर मुझे मालूम है कि मुझे वहाँ पे कुछ मिलने भी नहीं वाला है, और वो है इस जगह की बैक साइड। और सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा और चेक कर लेता हूँ भाई। दिख जा यार, भाई यार एक बारी वो जो ड्रैग रेसिंग वाला एरिया है ना, मैं अच्छे से चेक कर कर आता हूँ। मुझे वहाँ पर एक पम्पकिन तो मिला था बैक साइड पे, और उसके अंदर वाला एरिया में अभी तक मैंने एक बार भी चेक नहीं करा है। मतलब मैं यहाँ पर आया था और रेस लगा के डायरेक्ट चला गया था, बट हो सकता है यहाँ पर गाड़ी के पीछे, इस वाली गाड़ी के पीछे, इस वाली के कहीं पे भी कोई मुमकिन नहीं है भाई, किस्मत ही खराब है। ओ वेट, ये यहाँ पे ग्रेवयार्ड है भाई किसी का, तो किसका ग्रेवयार्ड है, आई मीन ग्रेवयार्ड नहीं है ग्रेव है भाई। ये गाड़ी हवा में लेके कौन उड़ रहा है सच में मुझे मालूम नहीं, बट इतना मुझे भी मालूम पड़ा कि ये जो जगह है इसके बैक साइड में भी भाई कुछ एरिया है जहाँ पे मुझे दोनों बचे हुए पम्पकिन मिल चुके हैं, और अभी हमने टोटल 30 पम्पकिन कलेक्ट कर लिए हैं फाइनली। भाई साहब ये काम करते हो, मैं थक गया, बात वही पड़ गई भाई, पूरे गांव में बगल में छोरा शहर में ढूंढोरा। चलो ठीक है भाई, फटाफट से भी गाड़ी को भगाते हुए चलते हैं पहले घर पे और जाके सोते हैं। मैं सच्ची में उस जगह पे बहुत बारी गाड़ियां रिपेयर कराने गया हूं, बट मुझे पता नहीं था कि उसके बैक साइड में ऐसे थोड़ा सा स्पेस है, मुझे ऐसा लग रहा था डायरेक्ट वॉल होती है, उधर तो कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पे पहुंच चुके हैं, फटाफट से एक बार चलते हैं सोने के लिए भाई, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज मैं जाने वाला हूँ फटाफट से वो कंटेनर ओपन करवाने के लिए। देखते हैं कि आखिरकार उस कंटेनर से हमें क्या मिलने वाला है। यार मैं तो भाई गाड़ी फुल स्पीड में भगाऊंगा बहुत। अरे नहीं, मजाक कर, ठुक जाएगी। वैसे मैंने बहुत सारी गाड़ियां चला ली इस गेम में, और इतना तो पता चल गया कि ब्रेकिंग निसान GTR की ही बहुत अच्छी है, इसे तेज भगाओ ना तो रुक भी जाती है जल्दी, ऐसा नहीं है कि जाके। ओ हेलो, वो बंदा कहां चला गया? अच्छा वो रहा वहां चला गया आज। मैं डर गया था, उसके लिए मैंने सब कुछ कलेक्ट कर लिया, बंदा ही गायब है। ले भाई मैं आ गया अपनी गाड़ी लेकर, सारे पम्पकिन मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, जल्दी से मुझे तू जो दे रहा है ठीक। ओ वाओ, वो चीज ओपन हो गई और उसके अंदर से मुझे स्पेशल पोशा मिली है येलो कलर की, जिसपे हेलोवीन का स्किन लगा हुआ है। देखो कीड़े मकोड़े बैटमैन भाई। वेट, वो एक सेकंड, गाड़ी थोड़ी सी डैमेज्ड है, ये देखो कार पैनल में दिखा 65% डैमेज कार, बट यार देखो गाड़ी फ्री में मिली है। ये गाड़ी को मैं प्यार से मार्केट में $4-5 लाख तक का बेच सकता हूँ। फिलहाल अभी निसान GTR को तो टो करवा के भेजो, आज मैं भाई ये गाड़ी चलाकर जाने वाला हूँ, लेट्स गो भाई। प्रॉपर एक कस्टम स्किन वाला कार मुझे मिल गया इस गेम में पहली बार, और मैं इसे बिल्कुल नहीं बेचने वाला। अब फटाफट से इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अरे अरे अरे, गाड़ी पे थोड़ा बहुत नहीं, काफी ठीक ठाक काम करवाना पड़ेगा। एक बार तुम इसकी स्पीड देखो भाई, किसी एंगल से लग रहा है ये स्पोर्ट्स कार है, खचाड़ा ट्रक लग रहा है भाई, इतना घटिया साउंड आ रहा है इसमें से। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गाड़ी पे थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं। वैसे अपने पास जो पहले पोशा थी वो भी एग्जैक्ट सेम यही वाली है, बस इसके ऊपर स्किन बहुत तगड़ी चढ़ी है। चलो भाई गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे। ओके हो गया। लो भैया इसको रिपेयर पे लगा दो फटाफट। और कितने रुपए लगने वाले हैं? अच्छा इस पे गई है क्या? इस गाड़ी को रिपेयर करने के $6,000, महंगी रिपेयरिंग हुई है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर दो रिपेयर अभी। वैसे भी हेलोवीन आए हैं तो मुझे ना एक चीज और पता करनी है कि क्या वो जो मॉडिफिकेशंस है, आई मीन वो जो हेलोवीन वाला स्किन लगा है, वो सिर्फ उस गाड़ी पे लगकर आया है या फिर मैं अपनी किसी और गाड़ियों पे भी पेंट वाले भैया से लगवा सकता हूँ। पता नहीं ये लगाएगा नहीं लगाएगा, बट चलकर पूछने में क्या दिक्कत है। हेलो ब्रो, यहाँ पर तेरे पास कुछ नहीं भाई? नहीं है, ये गाड़ियां बस पॉलिश करना जानता है। छोड़ो यार, वो जो स्किन है वो रेयर है क्या? ये बंदा तो गाड़ी पर नहीं करवा पाया, एक बार इसके पास चलकर देख लेते हैं, क्या पता ये गाड़ी पे रैप चढ़ाता हो तो अपना काम हो जाए। हाँ जी भाई, गाड़ी पे मेरे को नहीं भाई, कहीं पर भी नहीं है ऑप्शन। तो मतलब वो जो हमें गाड़ी मिली है वो एक तरीके से रेयर है। हेलोवीन स्किन वाला गाड़ी मुझे अब कैसे मिलेगा और ये नहीं पता, बट एक तो मुझे मिल चुका है जिसे मैं संभाल के रखने वाला हूँ। फिलहाल आज कार मार्केट प्लेस ओपन है, फटाफट से चल के वहां से भी मैं काफी सारी गाड़ियां खरीद लेता हूँ। भाई क्या बहुत तेज स्पीड में भगा कर लाया ना मैं गाड़ी, बस आराम से, नाइस। ओहो कहां आ गए भाई, छी आज तो कोई बढ़िया गाड़ी बिकी नहीं रही है, डब्बे बेच रहे हैं लोग। इस तरफ में फिर भी एक BMW है, बट मुझे नहीं चाहिए, मस्टांग ले लूं क्या? ओ वेट, मस्टांग छोड़ो भाई, पीछे फरारी बिक रहा है।
लाओ भाई फरारी बेचो ना, फरारी ये मैं बेच रही हूँ 2,83,000, इतनी सस्ती। लाओ उसको 2,20,000 का दे दो फिर फटाफट से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, गाड़ी अपनी है। ओ, लो हो गया क्या? तो एक काम कर, 2,35,000 लास्ट ऑफर, प्लीज बेच दे। ओके भाई मिल गई गाड़ी। गाड़ी खरीदने में तुम्हारा भाई आजकल एक्सपर्ट हो गया भाई, इसको टो करवा देते हैं। पीछे एक और ओडी आ रहे टाइम भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने शोरूम का ऊपर वाला फ्लोर लग्जरी कार से ही भरने वाला हूँ पूरा। ओडी R8 पूरी फ्रेश कंडीशन में 5,00,000 की। इस गाड़ी को मैं से लेने वाला हूँ $4,20,000 में, जो कि एक बार में बेचेगा। बेच, ओके भाई बेच दी। डर गया, ये गाड़ी पूरी ठीक है तो रिपेयर करवाने नहीं भेज सकता। बाकी यहाँ पर से मैं मस्टैंग ले लेता हूँ डैमेज्ड। अरे भाई कौन बेच रहा है ये, 21% डैमेज मस्टैंग है, 31,000 का, बहुत इजीली मैं इसे 27,000 का ले सकता हूँ। प्लीज कोई हाँ ना नहीं, जल्दी बेचो गाड़ी, थैंक यू। इस मस्टैंग, चलो भाई इस मस्टैंग को भी रिपेयर करने भेज देता हूँ, बाकी मुझे यहाँ से और कोई भी गाड़ी नहीं खरीदनी। ओ भाई ऑडी, ऑडी को एक काम करता हूँ मैं फटाफट से ना शोरूम पे पार्क करके आता हूँ। भाई एक सेकंड, मुझे पता नहीं था इसके अंदर ड्रिफ्ट किट लगा है। हल्का सा टर्न करते गाड़ी जो फिसली है ना भाई, पूछो मत। चलो भाई लाइन से गाड़ियां ले लेकर आ रहा हूँ भाई, क्योंकि अपना जो ऊपर वाला शोरूम है वो बहुत लग्जरी कार से मैं भरूंगा। दो ऑडी R8 अपने पास, दो पोर्शा, एक फरारी, निसान GTR, बहुत सारी तगड़ी तगड़ी गाड़ियों का कलेक्शन अभी हो चुका है। अभी तो मैंने पूरी गिनाई भी नहीं भाई, वहां पर अपने पास एक हेलोवीन वाला पोर्शा और मस्टैंग भी है। अरे क्या किसका वेट कर रहा है, रिपेयर पे लगाना है इसको। बढ़िया, चलो ये गाड़ी रिपेयर हो गई है, इसको लेकर चलता हूँ अपने शोरूम के ऊपर वाले फ्लोर पे पार्क कर देते हैं। नहीं नहीं रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ जा 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 भाई जा। घटिया सी जो तू फरारी की कॉपी चला रहा है ना, चाइना से मंगाई हुई, बेटा ऐसी गाड़ी हम लोग खरीदते बेचते छोड़ खरीदते तक नहीं है। चलो ये आ गया अपना फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर से गाड़ी में भिजवा देता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, ये जल्दी से भेजते हैं। भाई देखो ग्राउंड फ्लोर तो बहुत अच्छे से भरा हुआ है, और मेरा प्लान था कि आज मैं ऊपर वाले फ्लोर को भी पूरा भर डालूंगा, बट सही बताऊं तो सारा टाइम अपना पंपकिन कलेक्ट करने में चला गया इधर उधर इधर उधर। पर एक बात माननी पड़ेगी कि पंपकिन कलेक्ट, पर यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि पंपकिन कलेक्ट करते करते भी मैंने दो ऑडी R8, एक पोर्शा, एक फरारी और एक मस्टैंग खरीद ली। इन गाड़ियों को अगर मैं बेचूंगा तो भी मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, बाकी तो मेरे पास $6,00,000 हैं, जिसके अंदर मैं और भी बहुत सारी लग्जरी कार्स खरीद के अपना ऊपर वाला फ्लोर भर सकता हूँ। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो को ना यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी बहुत ही शॉपिंग हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारी गाड़ियां खरीदने वाले हैं, क्योंकि ऊपर का फ्लोर भरना है। तो चलो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कार फॉर सेल सिमुलेटर का ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट से आगे वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो पर एम करते हैं 5,50,000 लाइक्स के लिए। हाँ यार एक और चीज, आप लोग मुझे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या मुझे अपना वो येलो वाला हेलोवीन पोर्शे रखना चाहिए, या फिर उसे बहुत ज्यादा प्राइस मतलब $3-4 million का बेचने पर लगा देना चाहिए, क्या पता कोई बहुत अमीर कस्टमर आके खरीद जाए। तो जो भी है मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी चैनल पर जो जो लोग न्यू है, नीचे प्यारा सा एक सब्सक्राइब का बटन उसे जाके दबा दो, क्योंकि इस टाइम हम लोग 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो जल्दी से हमें पहुंचना है वहां पे। तो लेट्स गो, कर दो सब्सक्राइब। बाकी आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।